हेलो फ्रेंड्स, यूके निटिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर सा पैटर्न लेके आई हूँ। ये देखिए, ये पैटर्न हमारा कार्डिगन का है। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें 20 के मल्टीपल में फंदे डालने हैं, यानी कि 20 के जोड़े के हिसाब से फंदे डालने हैं। 18 फंदे पे तो हमारा ये पैटर्न आएगा, बीच में 18 पे पैटर्न आएगा और दो फंदे हमारे बीच में उल्टे आएंगे। तो ये 20 के मल्टीपल के हिसाब से हमें फंदे डालने हैं। अब ये देखिए, इस पैटर्न को बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से फंदे डालने हैं। आप इसमें डिजाइनर ही फंदे डालोगे। ये जो डिजाइनर फंदे हैं, इनको डालना मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा और वीडियो के एंड में। अभी देखिए, साइड से मैंने ये बटन पट्टी के लिए फंदे डाले हैं। बटन पट्टी बनाई है, दो सीधे दो उल्टे, इस तरह से ये बटन पट्टी हमारी साइड में। चलो देखते हैं इस पैटर्न को कैसे बनता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये मैंने फंदे पहले से ही डाले हैं। यहाँ पे मैंने ये 22 फंदे डाले हैं। ये दो फंदे तो हम, ये फंदे डालने के बाद दो फंदे हम फर्स्ट रो में उल्टे बुन लेंगे। शुरू के दो फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं। ये एक फंदा ऐसे उतारा, ये धागा अपनी साइड है, ये दूसरा फंदा इसको बुन लिया, ये दो फंदे हमारे उल्टे हो गए। फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बना लेंगे, ये एक फंदा हमने सीधा बना लेना है। फिर धागा अपनी साइड करना है जाली बनाने के लिए, और ये जो दूसरा फंदा है इसको और इसके साथ एक फंदा, ये देखिए दो फंदे हमने एक साथ बुन लेने हैं। ये दो फंदे हमने एक साथ बुन दिए। अरे, फंदे डालने के बाद हमारी फर्स्ट रो है। फिर धागा अपनी साइड करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे किया हमने और एक फंदा सीधा बुन लेना है। ये एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, दो फंदे उल्टे बुनने, ये दो फंदे हमने उल्टे बुन दिए। फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करना है, एक फंदा सीधा। अब देखिए, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा बुना, फिर यहाँ पे ये धागा देखिए, ये पीछे करना है, जो दूसरा फंदा उल्टा आना है वो इस, ये देखिए, ये दूसरा उल्टा आना, एक सीधा, इन दोनों को यहाँ पे एक साथ बुन लेंगे। ये देखिए, ये ऐसे में ये आगे से दो फंदे पे ऐसे सिलाई डालनी है और ये दो फंदे हमें एक साथ बुन लेने। ये देखिए, ये एक ही उल्टा बुना और दो फंदे एक साथ बुन दिए। फिर धागा अपनी साइड करना है हमने और एक फंदा सीधा बुनना है। जो फंदा हमारा लेस हुआ है वो यहीं पे प्लस भी हो गया। फिर धागा अपनी साइड और दो फंदे उल्टे कर लेंगे। ये देखिए, दो फंदे हमने ये उल्टे बना दिए। ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब बैक साइड से सेकंड रो, ये पहला फंदा बिना बुने उतार लेना है, ये दूसरा फंदा बुन के उतारेंगे, तो दो फंदे हमारे बैक साइड से सीधे, फिर धागा अपनी साइड। अब जो फंदे उल्टे हैं उनको उल्टा बुनेंगे और जो सीधे हैं उनको सीधा बुनना है। ये देखिए, ये तीन फंदे उल्टे आ गए, फिर धागा पीछे करना है, एक सीधा, फिर धागा अपनी साइड, एक उल्टा। इस तरह हम अपनी सेकंड रो को कंप्लीट कर लेंगे। ये बैक साइड से सेकंड रो कंप्लीट हो गई। जो फंदे सीधे थे सीधे बुने और जो उल्टे थे उनको उल्टा बुना। अब फ्रंट साइड से थर्ड रो, ये देखिए, ये दो फंदे हमने शुरू में उल्टे बुन लेने हैं, ये दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करना है, दो फंदे सीधे बुन लेंगे, ये दो फंदे सीधे बुने, फिर धागा अपनी साइड करेंगे और एक फंदा सीधा बुन लेंगे। ये देखिए, ये जाली के द्वारा हमारे यहाँ पे फंदे प्लस हो रहे हैं। फिर धागा अपनी साइड करेंगे, ये एक फंदा उल्टा बुना, फिर धागा पीछे करना है, और यहाँ पे देखिए, ये दो उल्टे फंदे हैं और एक सीधा,
तो इस सीधे वाले फंदे के साथ ये उल्टा फंदा भी एक साथ बुन लेंगे। ये दो फंदे हमने एक साथ बुन लेने, ये दो का एक किया, फिर धागा अपनी साइड एक उल्टा फंदा, फिर धागा पीछे एक सीधा, फिर धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड और एक फंदा उल्टा। अब एक फंदा ये उल्टा बुन दिया, अब यहाँ पे एक उल्टा फंदा ये माइनस होगा इस सीधे फंदे के साथ। ये देखिए ये दो फंदे हम एक साथ बुनेंगे, तो यहाँ पे धागा पीछे कर देंगे एक उल्टा फंदा बुनने के बाद, और ये दो फंदे एक साथ बुनेंगे, एक उल्टा फंदा और एक सीधा फंदा। ये दो फंदे हमने इस सीधी साइड से ये दो को एक साथ बुन लेना है। ये देखिए फिर धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड करेंगे जाली बनाने के लिए, और ये लास्ट में ये देखिए दो फंदे हमें सीधे बुनने, ये दो फंदे सीधे बुने, फिर धागा अपनी साइड करना है और दो फंदे उल्टे बुन लेने हैं। ये फ्रंट साइड से हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई। अब बैक साइड से फोर्थ रो, फोर्थ रो में हमें बैक साइड से सेम प्रोसेस दोहराना है। जो फंदे सीधे हैं उनको सीधे बुनेंगे, ये दो सीधे आ गए, फिर धागा अपनी साइड, और जो चार फंदे ये उल्टे आ रहे हैं इनको उल्टा बुनेंगे, ये चार फंदे हमारे उल्टे, फिर धागा पीछे एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा। ऐसे ही अपने बैक साइड से जो फंदे उल्टे हैं उनको उल्टा और जो सीधे हैं उनको सीधा बुनते हुए बैक साइड से फोर्थ रो कंप्लीट कर लेंगे। ये बैक साइड से फोर्थ रो कंप्लीट हो गई। जो फंदे सीधे थे सीधे बुने और जो उल्टे थे उनको उल्टा बुना। अब फ्रंट साइड से फिफ्थ रो, ये दो फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं, फिर धागा पीछे, अब देखिए ये तीन फंदे सीधे हैं, ये तीन फंदे सीधे बुने, फिर धागा अपनी साइड करना है जाली बनाने के लिए। ये देखिए ये धागा अपनी साइड किया जाली बनाने के लिए और एक फंदा सीधा बुन दिया, फिर धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा, ये एक सीधा, फिर धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, फिर यहाँ पे दो फंदे एक साथ बुनेंगे, एक सीधा और एक उल्टा। ये देखिए ये ऐसे पलटा के डालेंगे इस फंदे को, और ये दो फंदे हम एक साथ बुनेंगे, एक उल्टा वाला और एक सीधा वाला, ये दो का एक करना है, ये दो का एक हो गया। और इस साइड से भी यहाँ पे ये जो बीच में दोनों फंदे उल्टे थे ये यहाँ पे दोनों ही लेस हो जाएंगे, एक हो गया। अब देखिए एक उल्टा और एक सीधा ये भी एक साथ बुनेंगे, दो का एक करेंगे, इस सीधी साइड से बुनेंगे ऐसे में, ये दो का एक कर दें, फिर धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करना है एक फंदा सीधा बुना, और फिर धागा अपनी साइड जाली बनाने के लिए, और ये तीन फंदे फिर सीधे बुनेंगे, ये जाली बनाने के धागा अपनी साइड किया और तीन फंदे सीधे बुन लेंगे। ये हमने तीन फंदे सीधे बुने, फिर धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे बुन लेने। इस तरह फ्रंट साइड से हमारी ये फिफ्थ रो कंप्लीट हो गई। अब बैक साइड से सिक्स रो, सिक्स रो में जो फंदे सीधे हैं उनको सीधा बुनेंगे और जो उल्टे हैं उनको उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। ये बैक साइड से सिक्स रो कंप्लीट हो गए। जो फंदे उल्टे थे उल्टे बुने और जो सीधे थे उनको सीधा बुना। अब फ्रंट साइड से सेवंथ रो, दो फंदे उल्टे बुन लेंगे, फिर धागा पीछे किया, देखिए चार फंदे सीधे बुन लेंगे, ये चार फंदे हमने सीधे बुन लिए, फिर धागा अपनी साइड जाली बनाने के लिए और ये एक फंदा सीधा बुन लेंगे, फिर धागा अपनी साइड, देखिए सॉरी यहाँ पे ये होगा, जो हमने एक फंदा ये सीधा बुना है इसको ये धागा अपनी साइड करना है जाली बनाने के लिए। यहाँ पे देखिए ये धागा अपनी साइड किया जाली बनाने के लिए, और एक ये सीधा फंदा और एक ये उल्टा फंदा दोनों को एक साथ बुनेंगे, ये ऐसे,
ये यहाँ पीछे की साइड से सिलाई डालेंगे और ये ऐसे दो का एक कर देंगे। यहाँ पे जाली भी बन गई और दो का एक भी हो गया फंदा यहाँ पे। फिर एक सीधा फंदा आएगा, फिर धागा अपनी साइड, एक उल्टा, फिर धागा पीछे, दो फंदे सीधे आएंगे बीच में। ये देखिए ये दो फंदे हमारे सीधे आ गए। फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। अब जो एक उल्टा और एक ये सीधा फंदा है, इन दोनों को एक साथ बुनना है। ये देखिए सीधी साइड से ऐसे सिलाई डालेंगे और ये दो फंदे हमने एक साथ बुन दिए, दो का एक कर दिया। फिर यहाँ पे धागा अपनी साइड करना है जाली बनाने के लिए, और ये फंदे हमें चार फंदे सीधे बुन लेने हैं। ये चार फंदे सीधे आ गए। फिर धागा अपनी साइड, दो फंदे उल्टे बुन लेंगे। ये फ्रंट साइड से हमारी सेवंथ रो कंप्लीट हो गई। अब बैक साइड से एट्थ रो, ये दो फंदे सीधे आएंगे, फिर धागा अपनी साइड। अब देखिए यहाँ पे हमारे ये पांच फंदे उल्टे आ रहे हैं, छः सात फंदे उल्टे आ रहे हैं। ये देखिए शुरू में ही सात फंदे, दो सीधे बुनने के बाद सात फंदे उल्टे आ रहे हैं, तो सात फंदे उल्टे बुनेंगे। ये हमने सात फंदे उल्टे बुन दिए बैक साइड से, एट्थ रो चल रही है। फिर धागा आगे करेंगे, एक सीधा फंदा है, फिर धागा अपनी साइड, दो उल्टे फंदे हैं। इस तरह अपनी बैक साइड से एट्थ रो कंप्लीट कर लेंगे। जो सीधे फंदे हैं उनको सीधा और जो उल्टे फंदे हैं उनको उल्टा बुनते हुए अपनी बैक साइड से एट्थ रो कंप्लीट कर लेंगे। ये बैक साइड से एट्थ रो कंप्लीट हो गए। जो फंदे उल्टे थे उल्टे बुने और जो सीधे थे सीधे बुने। अब फ्रंट साइड से नाइन्थ रो, ये दो फंदे उल्टे बुन लेंगे, फिर धागा पीछे। अब देखिए यहाँ पे पांच फंदे सीधे हैं, ये पांच फंदे हमारे सीधे आ गए। फिर धागा अपनी साइड जाली बनाने के लिए और ये एक फंदा ये सीधा, फिर धागा पीछे ही रहेगा। ये सीधा फंदा और ये उल्टा फंदा, इन दोनों को एक साथ बुनेंगे। ये देखिए ये दो फंदे हमने एक साथ बुनने, ये दो का एक किया। फिर ये देखिए ये दो फंदे हमारे बीच में सीधे हैं, ये सीधे बुनेंगे। ये दो फंदे सीधे बुने, फिर एक उल्टा फंदा और एक सीधा फंदा, इन दोनों को एक साथ बुनेंगे। दो का एक किया, फिर ये लास्ट में एक सीधा फंदा। फिर यहाँ पे धागा अपनी साइड करना है जाली बनाने के लिए और ये लास्ट के ये पांच फंदे देखिए जो सीधे आ रहे हैं, इनको सीधे ही बुनेंगे। ये पांच फंदे हमारे सीधे आ गए। फिर धागा अपनी साइड, दो फंदे उल्टे। इस तरह फ्रंट साइड से हमारी ये नाइन्थ रो कंप्लीट हो गई। अब बैक साइड से टेंथ रो, अब जो फंदे सीधे हैं उनको सीधे बुनेंगे और जो उल्टे हैं उनको उल्टा ही बुनेंगे। ये देखिए दो फंदे बैक साइड से सीधे आए, धागा अपनी साइड। अब बीच में ये सारे फंदे हमारे यहाँ पे उल्टे आ रहे हैं, तो उल्टे बुनेंगे और लास्ट में दो सीधे। इस तरह हम अपनी टेंथ रो बैक साइड से कंप्लीट कर लेंगे। ये बैक साइड से हमारी टेंथ रो कंप्लीट हो गई। टेंथ रो में हमने दो दो फंदे ये फर्स्ट में शुरू में क्या किया था, सीधे बुने थे और लास्ट में दो सीधे बुने बैक साइड से, और बीच में हमारे पूरे फंदे उल्टे आए। अब फ्रंट साइड से इलेवंथ रो, ये दो फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे करना है और जो ये सीधे फंदे हैं इनको सीधा बुनना है। ये फंदे हमने सीधे बुने, छह फंदे सीधे आए। छह फंदे सीधे आने के बाद धागा अपनी साइड करेंगे जाली बनाने के लिए और यहाँ पे दो फंदे सीधे बुन लेंगे।
ये देखिए, अब ये दो फंदे ऐसे, जब पहला फंदा इसको ऐसे पलटा के डालेंगे और दो फंदे हम सीधे बुन लेंगे। ये दो फंदे सीधे आए, ये दो का एक कर दिया, जो दो फंदे दो हमारे सीधे आए थे उन दोनों को हमने एक साथ बुना और दो का एक कर दिया। फिर एक फंदा और सीधा बुन लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम पफ बनाएंगे, ये दोनों फंदों के ऐसे बीच से यहाँ पे ये सिलाई डालेंगे और यहाँ पे हम नौ फंदे बना लेंगे, नौ एक्स्ट्रा फंदे। ये देखिए धागे से ये एक एक बन गया। अब दूसरा हमने ऐसे तागे पे रोल करके फंदा बना लिया, दो। अब ये देखिए ये तीन, फिर तागे को सिलाई पे रोल किया तो चार बन गए। फिर हम यहाँ पे एक फंदा बना लेंगे, ये पांच बन गया, ये पांच। फिर तागा को ऐसे सिलाई पे रोल करना है तो छः हो गए। और फिर हमने एक फंदा बुन दिया, ये सात। फिर एक बार और धागे को ऐसे सिलाई पे रोल करेंगे तो आठ, और एक बार फिर बुन लेंगे। ये हमारे नौ एक्स्ट्रा फंदे हो गए, ये नौ फंदे हो गए। अब इन नौ फंदों को जो ये राइट नीडिल में है इनको लेफ्ट नीडिल में डालेंगे। ये नौ फंदे हमने लेफ्ट नीडिल में डाल दिया। अब इनको एक साथ बुनना है, यहाँ से डालेंगे सिलाई, ये देखिए ऐसे, और इनको एक साथ बुनना है। ये देखिए हमने इनको एक साथ बुन दिया और फिर एक साथ इनको स्लिप कर लेना है। फिर इसके बाद ये जो फंदा है आगे का, इसको सीधा बुन लेंगे। इसको हमने ऐसे सीधा बुना और यहाँ पे ये दो फंदे फिर एक साथ बुनेंगे। ये दोनों फंदे सीधे हैं हमारे, इन दोनों को एक साथ बुना है ऐसे सीधी साइड से। ये दोनों को एक साथ बुना, दो का एक कर दिया। फिर यहाँ पे धागा अपनी साइड जाली बनाने के लिए, और जो हमारे ये छह फंदे हैं सीधे, इनको सीधे बुन लेंगे। फिर धागा अपनी साइड, दो फंदे उल्टे बुन लेंगे। ये फ्रंट साइड से हमारी 11th रो कंप्लीट हो गई, ये देखिए। अब बैक साइड से 12th रो, देखिए दो फंदे सीधे आएंगे शुरू में, फिर धागा अपनी साइड। अब जो बीच में उल्टे फंदे हैं इनको उल्टे बुनेंगे, ये हमने उल्टे बुनने हैं। अब जो पप के द्वारा हमारा एक फंदा बढ़ रखा है उसको भी यहाँ पे लेस करेंगे। ये देखिए, ये पप के द्वारा हमारा एक फंदा बढ़ा हुआ है, इसको इस फंदे के साथ बुन देंगे। यहाँ पे ये दो फंदे हमने एक साथ बुन लेना है, ये दो का एक कर दिया। जो फंदा बढ़ा था पप के द्वारा वो घट भी गया, यानी कि लेस हो गया। और ऐसे पूरी रो को उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे बैक साइड से। ये 12th रो में हमारा पैटर्न कंप्लीट तैयार हो जाता है, और ये लास्ट में दो फंदे सीधे आएंगे। ये हमारी 12th रो कंप्लीट हो गई, ये देखिए। अब फ्रंट साइड से जो 13th रो आएगी उस पर हमारा पैटर्न रिपीट होगा। यहाँ पे देखिए, अब पैटर्न रिपीट होगा। एक रो बता देती हूँ, ये दो फंदे हमने उल्टे ही बुनने हैं, ये दो फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे करना है, एक फंदा सीधा बुनेंगे। एक फंदा सीधा बुना, फिर धागा अपनी साइड जाली के लिए, और यहाँ पे दो फंदे एक साथ बुनेंगे। ये देखिए, ये दो फंदे हमने एक साथ बुने, ये दो का एक किया। फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर धागा पीछे करना है, एक फंदा
सीधा, फिर धागा अपनी साइड, दो फंदे उल्टे आएंगे। ये दो फंदे हमारे उल्टे आ गए। फिर धागा पीछे करना है, एक फंदा सीधा आएगा, फिर धागा अपनी साइड, यहाँ पे दो फंदे उल्टे आएंगे। ये दो फंदे हमारे उल्टे आ गए। फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, दो फंदे उल्टे। फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड करेंगे यहाँ पे और एक फंदा उल्टा बुन लेंगे। अब एक फंदा उल्टा बुनेंगे तो धागा पीछे करेंगे फिर, और दो फंदे एक साथ बुनेंगे यहाँ पे। ये देखिए, दो का एक किया, ये दो का एक किया, फिर धागा अपनी साइड और एक फंदा सीधा बुन लेंगे। फिर धागा अपनी साइड, दो फंदे उल्टे बुनेंगे। ये हमारी 13 रो कंप्लीट हो गई। ये 13 रो पे हमारा पैटर्न रिपीट हो रहा है। अब इस पैटर्न को हम ऐसे ही रिपीट करते हुए अपने पैटर्न को कंप्लीट तैयार करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।